हरियाणा रोडवेज के सोनीपत डिपो में हड़ताल दिखी बेअसर। सामान्य दिनों की तरह चल रही है हरियाणा रोडवेज। सभी सरकारी और सहकारी समितियों की बसें चल रही हैं। आपको बता दें कि रोडवेज यूनियनों ने किया था चक्का जाम का दावा। सूत्रों की माने तो कर्मचारी संगठनों में मतभेद भी हड़ताल की विफलता का एक कारण बन गया है। हमारा जो पूरे देश का आज हड़ताल पर है कर्मचारी, हमारे जो कच्चे कर्मचारी कुछ थे वो कुछ बहकावे मांगे, इसलिए हमारी थोड़ी ही खलप हुई है। हम सुबह 4 बजे से हड़ताल पर हैं और हड़ताल जारी है, लेकिन इस बारिश की वजह से कुछ थोड़ा असर पड़ा है, नहीं तो हमारी सुबह 4 बजे फुल हड़ताल थी और 1 घंटे के बाद हमारे साथी आने लग रहे हैं। हम पूरे डिपो का फिर प्रदर्शन करेंगे और अपने डिपो को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ये किलोमीटर स्कीम हमारी आई है इसका पुरजोर पूरे हरियाणा में हर डिपो में हमारा विरोध है और लगभग 10-15 डिपो हमारे बंद भी हैं और 18 और 16 वालों को सरकार ने जो धमका गई है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, गाड़ियों पर चढ़ाए गए हैं वो डरा के, उसका हम बदला सरकार से लेंगे, क्योंकि हमारे डिपो में होया है ये, ऐसे ज़्यादा डिपो में नहीं होया है। और सरकार ने प्रशासन का भी बहुत सहारा लिया है, सुबह से बहुत ज़्यादा पुलिस हमारे को यहाँ थोपी गई है, हमारे कर्मचारियों को डराया गया है, तो इसके लिए गेट हमारे सारे तोड़ दिए गए, पहले ही तोड़ कर रख दिए 2 दिन पहले। तो ये हमारे साथ जो विश्वासघात होया है, हम सोनीपत डिपो के महाप्रबंधक को भी कहना चाहते हैं जो ये तानाशाही चला रहे हैं, इसके विरुद्ध में हम अगले आने वाले समय में इस जनरल मैनेजर को भी नोटिस देंगे और अपनी अगली लड़ाई को जारी रखेंगे। आपके साथ हमारे यूनियन, हमारी सारी यूनियन हमारे साथ हैं, कोई यूनियन हमारे से बाहर नहीं है, सभी यूनियन हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो राय धमकाए गए कच्चे कर्मचारी, इस करके सोनीपत में ये ज़्यादा असर है। और 20-25 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में जो कर्मचारी हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, और हरियाणा रोडवेज की जब तक किलोमीटर स्कीम वापस नहीं होगी जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठेकेदारी प्रथा का विरोध हम 90 से ले गए, आज तक कोई भी सरकार आई हमने उसी सरकार का विरोध किया है, और जब तक ठेकेदारी प्रथा किलोमीटर स्कीम बंद नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जो हमारे साथ विश्वासघात कर रही है, जवान करती है, मंत्री हमारे साथ 17 तारीख को अब भाई कोर्ट में केस जा रहा है तुम्हारा किलोमीटर स्कीम का, उसके बाद भी विश्वासघात किया हमारे साथ मंत्री ने, पलवल से गाड़ी चलाई, गुड़गांव से चलाई, और अब फिर बातचीत में नाट गया, अब किलोमीटर स्कीम तुम्हारी पूरी तरह रद्द होगी। तो हम इस रद्द के लिए संघर्ष में हैं, और जब तक ये किलोमीटर स्कीम ठेकेदारी प्रथा जब तक बंद नहीं होगी, जब तक हमारी तालमेल रोडवेज की कमेटी आंदोलन में रहेगी। हमारा नाम रणबीर सिंह, डिपो प्रधान SPS। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।